हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर MH और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2B TYBAF में सेमिस्टर 5 दिसंबर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, 15 मार्क्स के लिए आया था। क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा और सॉल्यूशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन था, कैलकुलेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ PK लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स प्रोक्योर्ड बाय इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023, गिव रीजन इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट एडमिसेबल। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है उसको कैलकुलेट करके बताना है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ये एक्चुअल में 2022 है, ये कुछ टेबल दिया है जिसके अंदर 12 पॉइंट हैं। ठीक है, अब इसका लॉजिक देखो। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसका इसकी क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसका पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है, इनपुट का मतलब होता है इनवर्ड, क्या होता है इनवर्ड, और इनवर्ड का मतलब होता है परचेज, तो परचेज के ऊपर टैक्स। तो इनपुट मतलब परचेज, परचेज के ऊपर टैक्स, उसका क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है बेनिफिट। तो परचेज के ऊपर जो आपने टैक्स भरा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। क्यों मिलता है बेनिफिट पता है, क्योंकि आप जब सेल्स करते हो ना तो सेल्स पर टैक्स आता है, तो वो टैक्स आपको पूरा नहीं भरना है, उसके अंदर से जो भी आपने परचेज किया ना, परचेज के ऊपर जो भी टैक्स भरा वो माइनस करने मिलता है। तो जब आप परचेज के ऊपर टैक्स माइनस करते हो ना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट मतलब परचेज, परचेज टैक्स, टैक्स मतलब टैक्स होता है, मतलब GST आया, तो परचेज के ऊपर जो आपने टैक्स भरा उसका क्रेडिट। तो आप कौन कौन सी चीजें परचेज कर सकते हो जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा, वो यहां पे आपको डिस्कस करना है 12 पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है, अगर ये पॉइंट का आता है तो उसका अमाउंट लिखो, नहीं आता है तो डैश मारो। आई बात समझ में, टॉपिक समझ में आया? तो इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है और इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इसको डीप में समझ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक मिनट में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो जब भी ऐसा वर्ड आएगा, ऐसा कैलकुलेशन में आएगा ना, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये सब आपका परचेज है, आपको ये डिसाइड करना है कि ये परचेज आप बिजनेस में यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो अमाउंट आएगा, नहीं कर सकते हो तो अमाउंट नहीं आएगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा देख लेते हैं। तो सोल्यूशन के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले पार्टी का नाम लिख लेना है। ठीक है, फिर क्या निकालना है, कैलकुलेट एडमिसेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो क्वेश्चन में दिया होगा वही लिखना है। देखो एडमिसेबल लिखा है, फिर लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, और कितने पॉइंट है, 12 पॉइंट है, तो देखो 12 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिए, एज इट इज़ लिखना है। अब डिसाइड करना है कि ये पैसा आएगा, ये परचेस का टैक्स क्रेडिट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो अमाउंट दिया है ना, ये परचेज के ऊपर का टैक्स है, मतलब GST है। आपको ये बताना है कि ये टैक्स आप बिजनेस में माइनस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, पहला क्या है, गुड्स परचेज बट नॉट यूज फॉर बिजनेस। आपने गुड्स परचेज किया लेकिन बिजनेस में यूज़ नहीं किया, तो आप बताओ ना, जो गुड्स आप बिजनेस के लिए परचेज करोगे वही तो उसके ऊपर टैक्स माइनस करोगे ना, उसी का तो टैक्स आप GST यूज़ कर पाओगे, उसी का तो बेनिफिट ले पाओगे। आप बिजनेस के लिए यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो क्या आपको उसके ऊपर का टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, उसके टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए वो अमाउंट जो आएगा वो ज़ीरो आएगा। आई बात समझ में। फिर क्या बोला है कि इनपुट यूज़ फॉर टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक, क्वालिटी और टेस्ट कंट्रोल, टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए आपने इनपुट, इनपुट का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, इनपुट मतलब इनवर्ड होता है, इनवर्ड मतलब परचेज होता है, राइट। तो परचेज यूज्ड फॉर टेस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल चेक, यस क्वालिटी कंट्रोल चेक करेंगे तभी तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपका मार्केट में नाम होगा, मार्केट में नाम होगा तो सेल होगा, तो आपके सेल पे इफेक्ट कर रहा है, आपके बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। जो चीज़ बिजनेस के लिए है तो उसका अमाउंट आएगा, जो चीज़ बिजनेस के लिए नहीं आएगा तो इसका अमाउंट आ जाएगा। तो 31,200 देखो यही अमाउंट है, तो यहाँ से हम लोग अमाउंट लिख लेंगे 31,200। दूसरा क्या है, गुड्स गिवन एज ए गिफ्ट, गिफ्ट में दिया है, तो गिफ्ट में दिया है तो आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हो, वो बिजनेस में इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये बिजनेस का आइटम नहीं है। तो गिफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, या रिटर्न ऑफ हो गया, ये सब बिजनेस में यूज़ नहीं होता है, तो ये बिजनेस में यूज़ नहीं होता है तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, इसका बेनिफिट नहीं लेंगे। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्या दिया है, पेपर ऑफ फोटोकॉपिंग मशीन यूज इन ऑफिस, ऑफिस में
ज़ेरॉक्स की मशीन थी उसमें पेपर यूज़ किया। क्या आप बिजनेस में पेपर को यूज़ करते हो, ज़ेरॉक्स मशीन यूज़ करते हो? यस करते हैं सर, प्रिंट आउट लेना पड़ता है तो बिज़नेस के लिए यूज़ हो रहा है ना। जो चीज़ बिज़नेस के लिए है ना उसके ऊपर का क्रेडिट आपको मिलेगा, तो 1000 रुपया आपको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या दिया है, पैकिंग मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री। यस फैक्ट्री में है, पैक नहीं करेंगे तो माल कैसे जाएगा, है ना, तो बिज़नेस के लिए यूज़ हो रहा है। यस 5000 पूरा बेनिफिट मिलेगा, तो 5000 हम लोग यहाँ लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्या बोला है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यूज्ड इन फैक्ट्री। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट यूज़ किया फैक्ट्री में, तो यस ये भी बिज़नेस के लिए यूज़ होता है। पता है ना आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है कि फैक्ट्री चला रहे हो तो उससे अगर पोल्यूशन होगा तो हम लोग आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे, ऐसा बोलती है गवर्नमेंट। तो आपने पोल्यूशन को कम करने के लिए इक्विपमेंट यूज़ किया, वो इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन कंट्रोल में आएगा, पोल्यूशन कंट्रोल में आएगा तो आपका कंपनी का नाम होगा और कंपनी को बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट फिर रोकेगी नहीं, गवर्नमेंट उस कंपनी को अलाउ करेगी बिजनेस करो, तो बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है तो पूरा 45,000 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग एकदम लास्ट में करते हैं, बाकी कर लेते हैं। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़ से गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, तो गुड डिस्ट्रॉयड हो गया वो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो सेल नहीं होगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं जाएगा उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई ऐसी सब चीज़ें हैं जैसे जैसे गिफ्ट के लिए यूज़ होता है, नेचुरल कैलामिटी में गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया इसका कोई यूज़ नहीं होता है, ये सब वेस्ट हो गया और वेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती है बेनिफिट लेने के लिए, तो इसका क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर देखो सर्विसेज अवेल, आपने सर्विस लिया विदाउट टैक्स इनवॉइस। अरे जब तक आपके पास बिल नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कितना टैक्स भरा है? परचेज करोगे तो बिल आता है ना, तो परचेज आया तो बिल आया, बिल आना चाहिए तभी आप उसका बेनिफिट ले पाओगे। तो आप टैक्स का बेनिफिट कब ले पाओगे, जब आपके पास बिल होगा, बिल ही नहीं है तो आप इसका बेनिफिट ले पाओगे क्या, नहीं ले पाओगे, राइट। तो हम लोग को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। फिर आया गुड्स परचेज ऑन 15 नवंबर बट नॉट रिसीव टिल डेट। गुड्स परचेज तो किया लेकिन रिसीव्ड ही नहीं हुआ। अरे भाई जब गुड्स आप बिजनेस के लिए मंगा रहे हो, गुड्स मंगा रहे हो तो वो गुड्स आपके फैक्ट्री में आना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, वो आया ही नहीं, तो इसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो 43,000 भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ऑडिटर सर्विस अवेल, मतलब सीए का सर्विस लिया। यस बिजनेस चलाना है रिटर्न फाइल करना होगा, रिटर्न फाइल करना है तो सीए को अपॉइंट करना पड़ेगा, सीए को अपॉइंट किया है तो सीए अपना बिल भेजेगा, सीए अपना बिल भेजेगा तो उसमें जीएसटी लगाएगा, तो वो जीएसटी का बेनिफिट आप ले सकते हो, 12,000 का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये टॉपिक क्या है पता है आपको, ये टॉपिक ये बोलता है कि इनपुट का मतलब होता है इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है परचेस, परचेस का मतलब परचेस के ऊपर आप जो भी टैक्स भर रहे हो उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो याद रखना वही परचेस के ऊपर जो टैक्स है उसका बेनिफिट तभी मिलेगा अगर वो बिजनेस में यूज़ हो तो, बिजनेस में नहीं है, पर्सनल है, गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, नेचुरल क्लैमिटी के तौर पर दे रहे हैं, तो उसका यूज़ नहीं आएगा, उसमें ज़ीरो आ जाएगा। अब समझ में आया? फिर देखो लास्ट वन वाला, लास्ट पार्ट क्या दिया है आपका, गुड्स यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग के लिए रिपेयर किया है, कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो आपने ऑफिस बिल्डिंग को रिपेयर किया, इज वेरी गुड, रिपेयर करेंगे ऑफिस अच्छा होगा, ऑफिस अच्छा होगा तो लोग अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो लोग मतलब अपना कंपनी का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा तो भाई अपना सेल बढ़ेगा, है ना, अच्छे से ऑफिस रहेंगे, लोग ऑफिस देख के भी बहुत जन आ जाते हैं गुड्स को खरीदने के लिए। तो यस इट इज़ यूज्ड परचेज है तो आप इसको बेनिफिट ले सकते हो, अमाउंट आ जाएगा 50,000। आ गया 12 पॉइंट हो गया। अब बचा ये भी ऑफिस बिल्डिंग है, तो बोलेंगे सर ये भी तो ऑफिस बिल्डिंग है, तो याद रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अलग से वीडियो बनाया क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। याद रखना आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, ऑफिस बिल्डिंग बनाते हो, एडिशनल फ्लोर बनाते हो, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, पहले तो ये कैपिटल एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस का मतलब होता है ये वाला आपके ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा देगा। समझो ऑफिस का बिल्डिंग 1,000 करोड़ है तो फ्लोर बनाया ना तो वो 1,500 करोड़ हो जाएगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है, तो बेनिफिट मिल रहा है ना डेप्रिसिएशन का, तो यहाँ नहीं मिलेगा उसका। आ रही बात समझ में? तो डेप्रिसिएशन मिलेगा तो इन चीज़ों पर नहीं मिलता है। तो कब नहीं मिलेगा, तो एक तो अगर आपने ऑफिस बिल्डिंग बनाया,
अगर उसको ऑफिस बिल्डिंग को जैसे यहाँ पे रिपेयर किया और उसको पीएनएल में लिखा ना, तब आएगा रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का मतलब होता है रेगुलर खर्चा, और जो चीज़ रेगुलर खर्चा होती है ना, दिन बाय दिन की डे टू डे एक्टिविटी, उसका परचेज का टैक्स आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो 30,000 जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो ये देखो, ये बोर्ड में पेपर आया था दिसंबर 2022, आप इसको गो थ्रू करो, और इससे रिलेटेड जो भी छोटा छोटा वीडियोज़ है ना, वो मैंने लिंक में डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके आप इसको समझ सकते हो। अभी जो है ये यूनिवर्सिटी के पेपर सोल्यूशन हो रहे, तो इसमें भी मैंने ट्राई किया कि पूरा कवर करने का, ठीक है, नीचे इसको टोटल कर देने का आएगा 1,44,200, और ये आपका आंसर है। अगर ये पूरा आपने इस तरीके से लिख दिया तो आपको पूरा 15 मार्क्स मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से पूरा लिख देने का और आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू करो, आपको लगता है अभी भी डाउट है, यू कैन गो थ्रू इट, और डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।